ये कहानी ऐसे लड़कों की है जो मरी हुई लड़की के साथ इंटीमेट होते हैं। जब ये बारी बारी इस लड़की के साथ फिजिकल हो रहे थे, वो मरी हुई लड़की जिंदा हो जाती है। आगे ये लड़की इन लड़कों का क्या हश्र करती है, हम इस कहानी में देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि एक मशहूर एक्टर ऐना की डेथ हो चुकी है। ऐना की एक पार्टी के दौरान मौत हुई थी। अब ऐना की बॉडी को हॉस्पिटल में लाया जाता है। इसके बाद हम दो लड़कों को देखते हैं, जिसमें एक लड़के का नाम इवान था और दूसरे लड़के का नाम जैक था। ये अपने फ्रेंड पाव से मिलने आए थे। कुछ देर बाद ये तीनों बाहर जाते हैं और ये ड्रिंक करते हैं। वो ऐना की डेड बॉडी को देखना चाहते थे। ये दो लड़के इवान और जैक ऐना की डेड बॉडी पर काफी डिस्कस करते हैं। पाओ अपनी जॉब को खतरे में डालकर अपने दोस्तों को ऐसी जगह ले जाता है जहां पर किसी का जाना अलाउ नहीं था। इसके बाद ये हॉस्पिटल के उस कमरे में जाते हैं जहां ऐना की डेड बॉडी रखी हुई होती है। यहां पर पाओ ऐना की डेड बॉडी के पास खड़ा हो जाता है। पाओ अपने दोस्तों से कहता है, ये ऐना की डेड बॉडी है। जैसे ही वो बॉडी का कपड़ा हटाता है, ये किसी खतरनाक इंसान की डेड बॉडी थी। ये देखकर इवान और जैक डर जाते हैं। दरअसल पाओ अपने दोस्तों से मजाक कर रहा था। इसके बाद पाओ ऐना की असली डेड बॉडी के पास आता है। वो अपने दोस्तों को ऐना की डेड बॉडी दिखाता है। ऐना सच में बहुत ही खूबसूरत होती है। इवान ऐना की डेड बॉडी को करीब से देखता है क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की कैसे मर सकती है। वो ऐना की डेड बॉडी को टच करने लगता है। यहाँ पर इवान ऐना की डेड बॉडी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता है। तब जैक उसे ये सब करने से मना कर देता है। इवान जैसे जिद पर ही अड़ गया था। दरअसल इवान ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि ऐना एक मॉडल थी और साथ ही बहुत ही खूबसूरत थी। चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तभी पाओ अपने फ्रेंड से कहता है कि मैंने ये एक बार किया था। पाओ इवान से कहता है कि जैसे तुम बॉडी के साथ करोगे वैसा ही मैं करूँगा। जैक कहता है कि ये सब डेड बॉडी के साथ करना गलत होगा, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। दरअसल जैक अपने फ्रेंड के साथ था, इसलिए वो भी ये सब करने के लिए मान जाता है। ये तीनों ड्रग्स लेते हैं। पाओ और जैक एक अलग कमरे में चले जाते हैं और अंदर इवान ऐना की डेड बॉडी के साथ इंटीमेट होता है। इवान अपना काम खत्म करके आता है, फिर पाओ ऐना के साथ इंटीमेट होता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि जब पाओ ऐना के साथ फिजिकल हो रहा था, तब ऐना की आंखें खुल जाती है। वो दोबारा से जिंदा हो गई थी। लेकिन पाओ को इस बात का कोई भी ध्यान नहीं था। जब उसे पता चलता है कि ऐना जिंदा हो गई है, तो वो डर कर चिल्लाने लगता है। तभी पाओ के फ्रेंड्स पाओ की आवाज़ सुनकर वहाँ आ जाते हैं। पाओ अपने दोस्तों से कहता है कि ऐना अब जिंदा हो गई है। ऐना को जिंदा देखकर उसके फ्रेंड भी बहुत डर जाते हैं क्योंकि ऐना को पता था कि इन दोनों ने ये सब किया है और ये बाहर जाकर पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगी। तभी इवान फैसला करता है कि अब ऐना को मारना होगा। जैक ऐना को पानी पिलाता है और वो उसे कपड़े में लपेटता है। जैक ऐना को बचाना चाहता था। तब जैक इवान से कहता है कि तुमने ऐना के साथ गलत किया है और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। जैक और इवान की लड़ाई हो जाती है। इस बात को लेकर इवान जैक को पीटना शुरू कर देता है। पाओ इवान को छुड़वाता है। तभी इवान को रियलाइज होता है कि उसने जैक को बहुत पीट लिया है, जिससे उसके सर से खून निकल रहा था। तभी हम देखते हैं कि पाओ का एक कुलीग डेड बॉडी को लेकर आया था। ये उसे देखकर छिप जाते हैं। उसने एक डेड बॉडी को रखा और वो लॉक लगाकर वहां से चला जाता है। अब ये तीनों यहां पर फंस चुके हैं और यहां से नहीं निकल सकते और ना ही अपने फ्रेंड का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। यहां पर ऐना भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। तभी पाओ और इवान ऐना और अपने फ्रेंड को एक अलग कमरे में ले जाते हैं। पाओ अपने कपड़े चेंज कर रहा था, तभी वहाँ हॉस्पिटल का प्यून आ जाता है। ऐना चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन इवान ऐना के मुंह पर हाथ रखकर उसका मुंह चुप करवा देता है। इसके बाद पाओ प्यून के साथ बाहर चला जाता है। इवान अपने फ्रेंड को देखता है जो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। ऐना इवान से कहती है कि जैक अब मर चुका है। पाओ लौट कर आता है तो उसे भी पता चलता है कि जैक अब मर चुका है। पाओ अपने फ्रेंड को ऐसे देखकर रोने लगता है। इवान पाओ से कहता है कि ये एक एक्सीडेंट था और इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। तब ऐना इवान से कहती है कि ये सब के लिए तुम्हें जेल होगी। इवान कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। इसके बाद इवान पाओ को बाहर ले जाता है और वो पाओ से कहता है कि अगर हम पकड़े गए तो हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा।
इसके लिए हमें जैक की बॉडी को ठिकाने लगाना होगा और एना को मारना होगा, क्योंकि इन सब की वजह एना ही है। एना खुद को स्ट्रेचर से गिरवाती है और जैक का फोन निकालती है और वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पाओ और इवान उसे ये सब करते हुए देख लेते हैं। वो एना से फोन छीन लेते हैं। जब वो फोन चेक करते हैं तो वो पुलिस का नंबर देखते हैं और वो एना को दूसरी जगह ले जाते हैं। तब इवान एना को दूसरे कमरे में ले जाता है और उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। एना इवान से कहती है कि तुम्हें ये सब करने की सजा जरूर मिलेंगी। तभी इवान चिल्लाते हुए एना को कहता है कि तुम्हें एक मरी हुई बॉडी हो और तुम्हें दोबारा से डेड बॉडी बना दूंगा। तभी इवान बाहर जाता है जहां वो अपने फ्रेंड की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश करता है। पाओ एना को मारने लगता है। इस पर एना उससे कहती है कि तुम्हें इवान का साथ देना नहीं चाहिए क्योंकि तुमने कुछ नहीं किया है, सब कुछ इवान ने ही किया है और इवान ने ही तुम्हारे फ्रेंड को गला दबाकर मारा है। पाओ कहता है कि ये एक एक्सीडेंट था। एना उससे कहती है कि ये एक्सीडेंट नहीं, ये उसने जानबूझकर किया है। तब पाओ इमोशनल हो जाता है। वो एना के मुंह पर टेप लगा देता है और एना का मुंह बंद कर देता है। कुछ देर बाद एना अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और वो इसमें कामयाब हो जाती है। इवान कंटेनर लेकर वापस आ रहा होता है। तभी इवान पाओ को बताता है कि एना अब भाग चुकी है। वो एना की तलाश में निकल जाती है। एना अपने आप को बचाते बचाते लिफ्ट में आ चुकी थी। वो वहां से निकलने ही वाली थी लेकिन तभी वहां इवान आकर लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से पहले ही वो लिफ्ट को रोक देता है। वो एना को घसीटते हुए ले जाता है। इसके बाद पाओ इवान से कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तुमने ही जैक का गला दबाकर उसे मारा है। तब इवान उसे समझाते हुए कहता है कि मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा। पाओ और इवान फैसला करते हैं कि अब एना को कैसे मारे जिससे सारे सबूत मिट जाए। तब इवान कहता है कि एना का गला दबाकर उसे मारा जाए या फिर उसकी सांसें रोककर। पाओ इवान को कपड़ा देता है। यहाँ पर पाओ इवान को वापस से कपड़ा दे देता है क्योंकि पाओ एना को नहीं मारना चाहता था। अब यहाँ पर इवान पाओ को एना की सांसें रोकने को कहता है क्योंकि वो इसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाना चाहता था। इवान जबरदस्ती पाओ का हाथ पकड़कर एना के मुंह पर कपड़ा रख देता है और एना मर जाती है। वो एना की डेड बॉडी को स्ट्रेचर पर रखती है और अपने फ्रेंड की डेड बॉडी को कंटेनर में बंद कर देते है। इवान जैक की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने जाता है। पाओ एना की बॉडी से सब सबूत मिटाता है। पाओ ने एना की बॉडी को अच्छे से साफ कर दिया था, बस वो जाने ही वाला था। एक बार फिर पाओ एना के मुंह से कपड़ा हटाता है। वो देखता है कि एना अब भी जिंदा है। पाओ एना को चुप रहने के लिए कहता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एना जब पाओ से कह रही थी कि सारा किया कराया इवान का है, तुमने कुछ नहीं किया। यहाँ पर एना और पाओ ने ये प्लान बनाया था। यहाँ पर प्लान के मुताबिक एना का दम घुटने ही वाला था। उससे पहले एना ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे वो मर चुकी हो। यहाँ पर एना ने मरने की एक्टिंग की थी जो इवान को इस बात का पता नहीं चला था। इसके बाद इवान और पाओ निकलने लगते हैं। बाहर जाने से पहले इवान अपना वॉलेट चेक करता है जिसमें इवान की आईडी गुम होती है। जब इवान अपनी आईडी लेने जाता है तो एना के कमरे में जाता है। पाओ उसे रोकने की काफी कोशिश करता है तो वो देखता है कि एना अभी जिंदा है। एना को जिंदा देखकर पाओ और इवान में लड़ाई हो जाती है। वो पाओ का गला घोटने लगता है, फिर वो पाओ को छोड़ देता है। तभी वहाँ पीछे से एना इवान पर हमला कर देती है जिससे इवान की मौत हो जाती है। तब पाओ कहता है कि तुमने ये सब नहीं करना था। एना पाओ पर भी हमला कर देती है, पाओ को भी वो जान से मार डालती है और ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आती है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर कहें।